हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस लेसन में जिसमें कि हम बात करेंगे कुछ टूल्स की। तो जैसा कि हमने ओवरव्यू लेसन में बात किया था कि जो हमारे इंजीनियर होते हैं उनके पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि अगर एक किसी कार से हमें कोई पार्ट निकाल के किसी और काम में कार में लगाना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ऐसे टूल्स जिनसे कि हम उस पार्ट को निकालें, फिर ऐसे टूल्स जैसे कि हम दूसरी कार में लगा दें। ठीक है, तो ऐसे ही टूल्स हमारे पास भी होते हैं। हमें क्या करना है कि किसी ऑर्गेनिज्म, ए ऑर्गेनिज्म का हम मान लेते हैं कि इंसान का डीएनए लेकर हमें किसी एक बैक्टीरिया के डीएनए में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंसान का डीएनए काटना है। ठीक है, तो हमें डीएनए को काटने वाले कुछ सीजर चाहिए। अगर डीएनए धागा है तो उस धागे को काटना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें सीजर चाहिए। तो वो सीजर जो कि डीएनए को काटे, तो ये तो मॉलिकुलर लेवल की कटिंग हो जाएगी, तो इनको बोलते हैं मॉलिकुलर सीजर्स। क्या बोलते हैं? मॉलिकुलर सीजर्स। और मॉलिकुलर सीजर्स में आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, तो जो हमारे बैक्टीरिया है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनको बहुत खतरा रहता है वायरसेस से। आपने नाम सुना होगा बैक्टीरियोफेजेस का, या बैक्टीरियोफाज जो भी कहना है। तो जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके और बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो बैक्टीरिया बड़े परेशान हैं इनसे। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, एक मैकेनिज्म डिवाइस कर लिया जिससे कि वो वायरस से बच लेते हैं। अब कैसे होता ही है कि बैक्टीरिया क्या करेगा, सॉरी बैक्टीरियोफेज, जैसे ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए आता है, तो बैक्टीरिया की वॉल पर बाहर चिपकता है, उसके बाद अपना डीएनए अंदर इंजेक्ट करता है। फिर वो डीएनए जाके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलता है और फिर बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करे बताओ, अगर सारे फसाद की जड़ वायरस का वो डीएनए है, तो क्या करें हम बचने के लिए? तो बैक्टीरिया बचने के लिए क्या करेगा, डीएनए को काट देगा। किसके डीएनए को? वायरस के डीएनए को। तो बैक्टीरिया ने कुछ ऐसे एंजाइम्स बना लिए, कुछ ऐसी सीजर्स बना ली जो कि वायरस के डीएनए को टुकड़े टुकड़े करके ख़राब कर देते हैं और फिर वायरस उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाता। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि हमने जो पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि डीएनए तो सेम सेम होता है ना, कि वायरस के डीएनए में भी वही एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरैसिल होंगे। यूरैसिल नहीं होगा, साइटोसिन होगा। ठीक है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन होंगे, और वैसा ही डीएनए में हमारे वायरस बैक्टीरिया में होगा। तो दोनों के जो डीएनए का बेसिक मेकअप है वो तो सेम है, तो दोनों का डीएनए तो अलग अलग है नहीं, तो हम क्या करें? तो बैक्टीरिया ने क्या किया, उन्होंने अपने डीएनए को मार्क कर लिया कि ताकि मैं अपने और पराए को पहचान सकूं। तो अपने डीएनए में क्या किया उन्होंने कि जो एडेनिन रेसिड्यूज थे, तो कुछ कुछ एडेनिन रेसिड्यूज पे मिथाइलेशन कर दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। इससे क्या होता है कि उनके अपने डीएनए में CH3 ग्रुप होता है, लेकिन वायरस के डीएनए में CH3 ग्रुप नहीं होता। इसलिए ये ऐसे एंजाइम्स जो कि वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब उसको कम कर दें या रोक दें या बंद कर दें या ग्रोथ को ना होने दें, तो ऐसे एंजाइम्स को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वायरस को, डीएनए को काट देते हैं, और वो एंजाइम जो कि बैक्टीरिया के अपने डीएनए पर मिथाइल ग्रुप्स लगा देते हैं और उसको कटने से रोकते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं क्या, मिथाइलेस। जो मिथाइल लगाने वाला वो मिथाइलेस। ठीक है, तो दो एंजाइम बैक्टीरिया के पास होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और मिथाइलेस। तो हम तो इंसान तो हर जगह ढूंढते रहते हैं कोई काम की चीज़ हो, तो हमें ऐसा दिख गया। तो वहाँ वो यूज़ कर रहा था बैक्टीरिया कि वायरस का डीएनए काट दे, तो डीएनए काट रहा था ना वो सीजर से, तो हमने उसको लिया और हम उसको उठा के हमारे डीएनए को काटते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक होते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि डीएनए के अंदर, डीएनए को कहीं बीच से, कहीं भी कुछ स्पेसिफिक साइट से, कुछ खास जगहों पर काटता है। और डीएनए एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक साइड से काटना शुरू करता है और पूरा का पूरा एक स्ट्रैंड उड़ा देता है पूरे डीएनए का। तो क्या आप ऐसे किसी एंजाइम को यूज़ करोगे? हमें तो बस डीएनए का एक पीस चाहिए ना, उसने तो हमारा डीएनए ख़राब कर दिया एक्सोन्यूक्लियस ने, तो हम एक्सोन्यूक्लियस को यूज़ नहीं करते। लेकिन एंडोन्यूक्लियस कुछ खास जगहों पर काटता है, तो हम दो जगह काट देंगे डीएनए, दो जगह काट कर हम एक टुकड़ा निकाल लेंगे उसमें से। तो जो खास जगह जहाँ पर डीएनए का जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहाँ वर्क करता है, उस साइट को हम बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं कि इनको आप आगे से पीछे रीड करो
तो उनका सेम सेम मतलब लिख ले। जैसे वर्ड होता है मलयालम, MALAYALM, उल्टा पढ़ो तो MALAYAM, या मैडम ले लो MADAM, MADAM, तो आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम सेम मीनिंग निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ये देख लेते हैं हम कि ये देखो, जैसे अगर आप इसको रीड करेंगे इस तरफ से, तो GAATTC, तो यहीं से रीड नहीं करना, अगले स्ट्रैंड को, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो आप उसको रीड करें, तो क्या GAATTC, तो इस तरफ से और इस तरफ से सेम सेम मीनिंग है ना। तो क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे ही सीक्वेंसेस को पहचानते हैं और ऐसे काट देते हैं। इस स्ट्रैंड को जो 5'3' है ऊपर वाला ब्लू वाला, उसको ऐसे काटेंगे, और जो पिंक वाला है उसको यहाँ काटेंगे, जी और ए के बीच में, और जी और ए के बीच में इसने काट दिया। ठीक है, तो काटने के बाद क्या हुआ, एक यहाँ पर क्या बचा, AATT, ठीक है, और यहाँ क्या बचा, TTAA। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये थोड़ा सा, ये पीस, ये थोड़ा सा पार्ट, ये कैसा रह गया, कैसा रह गया, सिंगल स्ट्रैंडर्ड। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर कोई और, ये तो इसने दो टुकड़े कर दिए, तो अब क्या, आगे क्या, तो अगर आगे इसको कोई और इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, बस इतना सा पीस है कॉम्प्लीमेंट्री, और बाकी डीएनए का हमें नहीं जानना, तो कोई और ऐसा मिलेगा AATT का उल्टा TTAA, तो ये क्या करेगा, उससे चिपक जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि ये दो टुकड़े इसी डीएनए के, लेकिन ये टुकड़ा इस डीएनए का नहीं है, एक पल के लिए मान लो कि ये किसी और का टुकड़ा है, बस इसके पास ये एक सिंगल स्टैंडर्ड ऐसा सीक्वेंस है, तो ये क्या करेगा, आके यहाँ चिपक जाएगा, और ये चिपक गया है ना। तो ये क्या पीस हो रहा है, ये पीस चीज़ों से चिपक सकता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री अगर इसको मिलता है तो उससे चिपक सकता है, तो ये जो एंड है इसको हम कहेंगे स्टिकी एंड, है ना, स्टिकी एंड जो चिपक जाए। ठीक है, तो इसका भी हम आगे यूज़ करते हैं, हम मैं बताऊंगा कैसे। तो वो हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये और भी एग्जांपल्स हैं कि कैसे कैसे काटते हैं, ये अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है हमारा, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था। उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये देखो, एक तरफ से स्टार्ट करेगा यहाँ से काटना, और कट 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 के पूरा का पूरा डीएनए खराब कर देगा, और ये देखो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया इसने, तो ये खराब हो गया हमारा। ठीक है, तो अब इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम नाम कैसे देते हैं, तो इनको नाम देने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी बैक्टीरिया का नाम होता है, तो सब उसके नाम में जीनस होता है, उसके नाम में स्पीशीज होता है, तो हम आगे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम में जो पहला लेटर होता है वो जीनस का पहला लेटर होता है, और अगले दो लेटर होते हैं उसकी स्पीशीज के पहले दो लेटर। ठीक है, और बाकी का जो होता है उसका लैब में बनने का सीक्वेंस होता है वो। तो जैसे एक, अगर हमने ई कोलाई से कोई सा निकाला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसका नाम क्या होगा, ई, ये ई, और कोलाई का CO, कोली, तो ई को R1, मतलब R1 तो ये उसका सिंथेसिस का सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो ई को R1 कहाँ से आया, असरीशिया कोलाई से। ठीक है, तो ऐसे ही बाकियों के भी नाम दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक और टेक्निक की, उसे कहते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि आप मान लो कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें कि डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन और बला बला बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको इन सबको सेपरेट करना है। ठीक है, तो हम इससे कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, जिसमें कि डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हैं, कोई टुकड़े बड़े हैं, कोई टुकड़े छोटे हैं, कोई 10,000 किलो कोई 10,000 बेस पेयर के हैं, कोई 5,000 बेस पेयर के हैं, कोई 1,000 बेस पेयर है ना। तो अब मुझे क्या करना है कि ये 10, 5, 1, 2,000 वाले बेस पेयर को सबको अलग अलग करना है उनके साइज के बेसिस पे। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी को यूज़ करूंगा डीएनए की, कि डीएनए पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्यों होता है, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो उसके कारण डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव मॉलिक्यूल पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए को मूव कराऊंगा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये मीडियम लेते हैं, ये मीडियम, ये होता है पॉली एक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये पॉली एक्रेलामाइड जेल ये मीडियम होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि डीएनए को यहाँ नेगेटिव साइड पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ डीएनए बहुत सारे ट्यूब्स रख सकते हो आप, तो हम डीएनए यहाँ नेगेटिव साइड पर रखते हैं, और डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलना शुरू करता है। तो अगर कोई रेस होती है, ठीक है, कोई रिले रेस हो, कोई मैराथन हो रही है, तो सबसे मोटा आदमी सबसे पीछे रह जाता है और सबसे पतला आदमी फर्स्ट आ जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, क्योंकि यहाँ पर पोर्स होते हैं और उन पोर्स में से धीरे धीरे गुजर के जाना होता है। ठीक, तो जो छोटा सा डीएनए होता है वो आराम से निकल जाता है, लेकिन बड़ा डीएनए निकल नहीं पाता, इसलिए जो बड़े बड़े डीएनए होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं,
और जो छोटे छोटे डीएनए रहते हैं वो आगे चले जाते हैं। तो देखो ऐसे रिजल्ट आता है, ऐसे दिख रहा होता है कि ऐसे बैंड दिख रहे होते हैं, ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये यूवी लाइट में देखना होता है। तो सबसे बड़ा डीएनए यहाँ रह जाता है और सबसे छोटा यहाँ सबसे नीचे पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक और रिस्ट्रक्शन एंड यूनिकनेस। ओके, थैंक यू।